ओपनिंग में हमने क्या किया कि ओपनिंग के ऑपरेटर में सबसे पहले हम अरोजन अप्लाई करते हैं। अरोजन ने क्या करता है कि आपके फोरग्राउंड के एलिमेंट्स को श्रिंक कर देता है और फिर हम डायलेशन करते हैं। जब मैंने इसको अरोड किया तो ये देखिए जितने एलिमेंट्स पड़े हुए थे इनका साइज श्रिंक हुआ, तो मेरे पास लेफ्ट ओवर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स थे सिर्फ वो रह गए। एक ये बड़ा ऑब्जेक्ट था, ये रह गया, सेकंड ये रह गया और ये ऑब्जेक्ट रह गया। बाकी सारे के सारे ऑपरेटर्स इसमें, बाकी सारे एलिमेंट्स में एलिमिनेट हो गए और फिर हम इसको डायलेट करते हैं। तो डायलेट करने की वजह से क्या हुआ कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट हैं उनका साइज दोबारा से इंक्रीज कर गया, ये भी डायलेट हुआ एंड ये भी डायलेट हुआ। सो अगर आप इस ऑपरेशन को बार बार भी अप्लाई करें तो फिर भी इमेज के ऊपर आपके पास कोई फर्क नहीं आ रहा होगा। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग इज दिस कि ये एक ओरिजिनल इमेज था जिसके अंदर दो एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और मैंने इस पर ओपनिंग ऑपरेटर अप्लाई किया, तो उसमें से देखें कि ये वाला एलिमेंट ये भी एलिमिनेट हो गया और जो आगे इसके समझ लें ये जो मुंह से था जो पंजे से थे ये भी गायब हो गए। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द ओपनिंग ऑपरेटर। और अगर मैंने क्लोजिंग की तो क्लोजिंग क्या करता है कि क्लोजिंग की वजह से जो जब इमेज के अंदर छोटे छोटे होल्स थे ना ये फिल हो जाते हैं। ये होल था इसमें देखिए ये फिल हो गया है, ये इसके आगे वाले ये पॉइंट है ये भी यहाँ पे फिल हो गए हैं, लेकिन ये इससे ऑब्जेक्ट दूर था तो इसके ऊपर ऑलरेडी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और साथ ये वाले जो एलिमेंट थे ऊपर दिए हुए हैं ये भी आपके पास इनका साइज भी छोटा हो, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आप हैंड रेज करें या किसी वॉइस मैसेज के अंदर माइक से भी मैसेज पूछ सकते हैं, राइट। सो हमने यहाँ तक अपने सारे ऑपरेटर्स देख लिए हैं ओपनिंग के क्लोजिंग के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिट मिस ट्रांसफॉर्म। हिट मिस ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि इसमें हमारे पास तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एक आपका ओरिजिनल इमेज ए होता है, दूसरा आपके पास इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बी वन कहते हैं, और तीसरी इसमें आपकी बैकग्राउंड इमेज होती है जिसको हम बी टू कहते हैं। अगर हमारे पास बी इसके अंदर डोनेट कर रहा है ओके, सो हमारे पास इसमें तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ए ओरिजिनल इमेज, बी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर दो चीजें होती हैं। बी के सेट में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, वन इज योर ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज द बैकग्राउंड। सो हम क्या करते हैं कि हम ए और बी को आपस में हिट मिस ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करते हैं। बिफोर आई गो अहेड मैं इसकी एक आपको ना छोटी सी एक फिगर पहले दिखाना चाह रहा हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये किस तरह अप्लाई हो रहा है। सो लेट्स से ये मेरे पास सारा ओरिजिनल इमेज है, इसमें बी क्या चीज होगी, ये जो फिंगरप्रिंट्स पड़ी है ना ये बी है और जो छोटे छोटे डॉट्स पड़े हैं ना ये बैकग्राउंड है इसकी, व्हिच इज द बैकग्राउंड इमेज व्हिच इज द बी वन इन दिस केस। सो इसमें क्या हुआ कि बी ए इज हिट मिस ट्रांसफॉर्म विद बी, तो सबसे पहले ए की और डी की आपस में अरोजन अप्लाई करते हैं और फिर ए कॉम्प्लीमेंट की और डी की आपस में दोबारा से अरोजन का फैक्टर इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। सो हमारे पास टोटल इसमें क्या ऑपरेशन हुआ, सबसे पहले आपका एक सेट ए था और फिर एक आपके पास विंडो एलिमेंट डब्ल्यू था जिसको आपने एक ब्लैक बैक बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई किया और उसके ऊपर आपने ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया, ए का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया ए कॉम्प्लीमेंट और W माइनस D इस पे ऊपर आपने अप्लाई कर दिया। सो आफ्टर वी अप्लाई ए अरोजन विद D व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट विद दिस नेक्स्ट ऑपरेशन, तो हमारे पास इसकी फर्स्ट फिगर आ जाती है यानी फर्स्ट पास आ जाता है। इससे पहले जितने हम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास ए की दफा मैथमेटिकल ऑपरेशन में सारा कंप्यूट हो जाता है, वेयर एज इन केस ऑफ योर हिट मिस ट्रांसफॉर्म आप बारी बारी सारे ऑब्जेक्ट्स को कर लेते हैं। जैसे इस केस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं व्हिच इज बी वन एंड बी टू, सो आप एक दफा बी वन के साथ कंप्यूट करते हैं फिर बी टू से कंप्यूट करते हैं,
फिर बी थ्री से कंप्यूट करते हैं, फिर बी फोर से इसको कंप्यूट कर रहे होते हैं। एक मिनट जी, मैं चैट मैसेज भी आपके साथ साथ देख लूं। व्हाट इज डब्ल्यू माइनस डी? अच्छा, डब्ल्यू क्या चीज है इसके अंदर? डब्ल्यू इसके अंदर आपके पास बैकग्राउंड इमेजेस पड़े हुए, और डब्ल्यू माइनस डी बैकग्राउंड इमेज कंप्यूट करने के बाद जो आपके पास डिटेल आ रही है वो पड़ी। बिकॉज इस इमेज के अंदर तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, एक ओरिजिनल ए जिसके साथ आप इसको परफॉर्म, जो आपका रिजल्टेंट इमेज आ रहा है, बी, बी के अंदर आगे फर्दर दो एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट इसमें होता है आपका ऑब्जेक्ट, और बी दूसरा बी का एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आपका बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है। सो डब्ल्यू जो है वो इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके पास सारे बीज को मिला के बनाया हुआ। सो आप ओरिजिनल इमेज का और बाकी इस इमेज का आपस में हिट मिस ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर रहे हैं। ओके, सो दैट वाज द हिट मिस ट्रांसफॉर्म। आई होप कि मलाइका आपका आंसर मिल गया होगा इससे। बाउंड्री एक्सट्रैक्शन का केस जो है ना, इट्स वेरी सिंपल। बाउंड्री एक्सट्रैक्शन का ऑपरेशन क्या कहता है कि कोई भी ओरिजिनल इमेज हो, आप सबसे पहले इसका डायलेशन ऑपरेटर, इस पे ओरिजिन ऑपरेटर अप्लाई करें और ओरिजिन ऑपरेटर को ओरिजिनल इमेज में से माइनस कर दें। सो इससे रिजल्टेंट जो भी इमेज मिलेगा वो इसका जो है ना इमेज की साइड की जो बाउंड्री है ना वो आपको एक्सट्रैक्टेड मिल जाएगी। यानी ये आपको एक फिगर थी, इसके ऊपर हमने डायलेशन एरोजन अप्लाई की। एरोजन से क्या हुआ, फिगर तो यही रही लेकिन अब इसका साइज छोटा हो गया। अब हमने क्या किया कि ये जो ओरिजिनल एलिमेंट था इसका और जो अंदर वाला एलिमेंट था, इन दोनों का आपस में से सब्ट्रैक्शन ले ली। यानी ए माइनस ए डायलेशन विद बी, वेयर बी इज द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। सो इसकी वजह से आपको जो रिजल्टेंट इमेज मिलेगा वो आपको इसका बाउंड्री इमेज मिलेगा। इसकी यहाँ पे बाउंड्री आपको ड्रॉ हो जाएगी जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में दिखा चुका हूँ। सो ये आप लोग के कोर्स का पार्ट नहीं है, ये जो है होल फिलिंग, बट दिस इज ओनली एन ऑप्शनल पार्ट। मैं आपको सिर्फ आइडिया के तौर पर बता देता हूँ कि होल फिलिंग क्या होती है, सो दैट कभी भी अगर आपको ये ऑपरेशन देखना हो तो आपको पता लग जाए। अ होल फिलिंग मे बी डिफाइंड एज द बैकग्राउंड रीजन सराउंडेड बाय कनेक्टेड बॉर्डर ऑफ फोरग्राउंड पिक्सल्स। लेट ए डोनेट अ सेट हूज एलिमेंट्स आर एट कनेक्टेड बाउंड्रीज, ईच बाउंड्री इनक्लोजिंग अ बैकग्राउंड रीजन। अच्छा, होल फिलिंग में क्या होता है कि आपका ना जो बैकग्राउंड इमेज है ना ये आपस में सराउंड हुआ होता है बैकग्राउंड पिक्सल के साथ, और इन बैकग्राउंड पिक्सल के लिए जरूरी होता है ये आपस में एट कनेक्टेड एलिमेंट्स के साथ हो। एट कनेक्टेड का मतलब ये है कि अगर ये आपके पास ये इमेज ये है ना, तो उसमें कनेक्टिविटी को पहले देखते हैं। फोर पॉइंट कनेक्टिविटी क्या होती है, ये सेंटर पॉइंट है तो इसको कहते हैं फोर पॉइंट कनेक्टिविटी। यानी ये राइट पे भी कनेक्ट है, लेफ्ट पे भी, टॉप पे भी और इस साइड पे भी। एट पॉइंट कनेक्टिविटी क्या होती है, सेंटर पिक्सल इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, इस साइड पे भी कनेक्ट है, इधर इधर और इधर। इसको हम कहते हैं आपकी एट पॉइंट कनेक्टिविटी। सो जब आपने होल फिलिंग ऑपरेशन अप्लाई करना होता है तो होल फिलिंग में क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट जो भी हमारा ए ऑब्जेक्ट है उसमें देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो एट कनेक्टेड बाउंड्रीज के साथ आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट एट कनेक्टेड बाउंड्रीज के साथ आ रहा है तो उसको बारी बारी हम एक्स ऑफ के साथ हम उसको डायलेट कर देते हैं। एक्स ऑफ के का क्या मतलब है, एक्स ऑफ के बेसिकली एक सीरीज ऑफ एरे है जिसके अंदर एक्स जीरो है, एक्स वन है, एक्स टू है और एक्स थ्री है, एक्स फोर एंड सो वन एंड सो फोर जहां तक ये जा रहा है। और इसका साइज एग्जैक्टली सेम साइज होता है जो आपका ए का साइज आ रहा है, एक्सेप्ट जो आपके जीरो लोकेशन के ऊपर एलिमेंट होते हैं वहां पे हमारा इसका साइज वन होता है। सो हम इस ऑपरेटर को बारी बारी अप्लाई करना शुरू करते हैं जब तक आपका सेम सारे ऑपरेटर पे नहीं होता। सो किस तरह अप्लाई होता है, सबसे पहले आपका पहला एलिमेंट पॉइंट टू पॉइंट जाके अप्लाई होता है। ये वन था, ये पहला ऑपरेशन अप्लाई हुआ, दूसरा ऑपरेशन अप्लाई हुआ,
तीसरा ऑपरेशन यानी इस पिक्सल पे अप्लाई होगा, ये वाला इस पिक्सल पे अप्लाई होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एक्स ऑफ एन तक ये ऑपरेटर अप्लाई होंगे जितने आपके इसके अंदर पिक्सल हैं, और इन पिक्सल्स की वजह से आपका जो रिजल्ट मिल रहा होता है वो आपके पास होल फिल्ड इमेज मिलता है। सो ये एक आपको ओरिजिनल एलिमेंट था, ओरिजिनल इमेज था ए, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ब्लैक स्पॉट पड़े हुए थे, और इन ब्लैक स्पॉट को हमने होल फिलिंग ऑपरेशन की वजह से इसको जीरो के इक्विवेलेंट प्रज्यूम कर लिया। जीरो के इक्विवेलेंट किस तरह हुआ, जहां जहां पे इसकी 8 पॉइंट कनेक्टिविटी मिली उन पिक्सल्स को हमने इसमें से उड़ा दिया, जिनकी 8 पॉइंट कनेक्टिविटी नहीं थी उनको हमने छोड़ दिया। 8 पॉइंट कनेक्टिविटी का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक पिक्सल पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है, इसके साइड भी वाइट है, इधर भी वाइट है, इधर भी वाइट है, इधर भी वाइट है, इधर भी वाइट। सो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू कर रहा है। अगर एक एक पॉइंट एक एलिमेंट कंडीशन ट्रू कर रहा है तो उसको इक्विवेलेंट टू जीरो कर दे, या फिर इक्विवेलेंट टू ऑल द इमेज इन दिस केस नाउ वुड बी रिटन एज 1 1 1 1 1 1 1। अगर किसी भी एलिमेंट की 8 पॉइंट कनेक्टिविटी ट्रू हो जाती है तो ऐसे इमेज को हम क्या करते हैं कि हम रीजन फिल कर देते हैं, और फिर उस रीजन फिल्ड इमेज को हम कहते हैं ये आपका होल फिल्ड इमेज आ गया। ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे। लेट मी टेक द अटेंडेंस फॉर टुडेज क्लास बिफोर यू लीव आउट। एक सेकंड जी, मैं अटेंडेंस ले लूं और फिर मैं अटेंडेंस बारी बारी कॉल भी कर देता हूँ। प्रिंट स्क्रीन, ये पहला वाला बंदा जो जिसके दो डॉट हैं वो, उसका नहीं मुझे पता कौन सा बंदा है, आमिर अब्दुल वहाब, अब्दुल्ला जमील, अब्दुल्ला खान, अनम शबीर, दानिश महमूद, हुदा जुल्फकार, इरफा मिशाल, कनीज फातमा, मलाइका महरब, मोहम्मद हमजा मुश्ताक, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद तलहा, मुसद्दिक खान, राबिया सरिश, हिना उतरा, रिमशा रफीक, सुमेरा सरताज, एक सेकेंड जी, सुमेरा सरताज तक हो गए, मैं आगे रिम शरफी, सुमेरा सरताज। सुमेरा सरताज, तासीन अब्दुल्ला, वलीद, जैन, जिशान, जिशान मसूद, सर वलीद जैन, हिलाल, हिलाल कौन है, हलील, हिलाल अमीन यहाँ बैठा हुआ है? यस सर, एक मिनट रुक जाओ, सर मेरी भी नहीं बोली सर, एक मिनट जी, हिलाल अमीन, यस सर, और दूसरा बंदा कौन है, वलीद है सर, वलीद की तो मैंने लगा दिया, यस सर, हमजा, हमजा मुश्ताक, यस सर, सर मेरी भी नहीं बोली।